हम लोग के इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है। हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जाते थे लोग रॉकेट को यहाँ पे, साइकिल से देखिए पार्ट बाई पार्ट करके यहाँ पे, बैलगाड़ी से हम लोग ये सेटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है। और ये जो लड़कियों ने जिस सेटेलाइट को बनाया, उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा। हमारा उस सेटेलाइट से संपर्क टूटा है, कसम से कहते हैं हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है। हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं, इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सेटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही हैं जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं लोग यहाँ पे। और भारत माँ की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर, ये सेटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए, जो लोग अभी पीएसएलवी से एसएसएलवी से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, जीएसएलवी तो बहुत पावरफुल है, ये है पीएसएलवी, दुनिया का सबसे भरोसेमंद है। अभी एसएसएलवी सही हो ही गया, अभी एनएसएलवी भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एक एक किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में, 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, स्पेसएक्स को, क्योंकि स्पेसएक्स अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है, इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में। और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में, हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बाद में होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं एनएसएलवी, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहाँ पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर की होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं, एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखना चाहिए। तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है तो ठंडा, इसके सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है, जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर्षण से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी, एनएसएलवी समझे होंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि इसरो और आगे बढ़ेगा और पूरे देश का नाम गर्व से ऊपर करेगा यहाँ पे। आई होप आप